नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। मशहूर ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक रविवार रात को अचानक से बंद हो गई है। जी हां, ब्रिटेन की 178 साल पुरानी ये ट्रेवल्स कंपनी ऐसे जब अचानक बंद हुई तो कहीं ना कहीं इसके बंद होने से जो लोग अपने घरों से बाहर घूमने निकले थे वो कहीं ना कहीं जस के तस फंस के रह गए हैं। ऐसे में इन लोगों की जो संख्या है वो 1.5 लाख के करीब बताई जा रही है। तो इसके अलावा जो थॉमस कुक कंपनी है, इसके जो दुनिया भर में कर्मचारी हैं या इस कंपनी के लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी कम से कम 22,000 की संख्या की तादाद में मौजूद हैं, जिनमें से 9,000 लोग ब्रिटेन के हैं जो थॉमस कुक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे जब रविवार को अचानक से ये कंपनी बंद हो गई या ठप हो गई मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं इन 22,000 लोगों की नौकरी पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। 1841 में जब थॉमस कुक कंपनी ट्रैवल इंडस्ट्री में आई, उसके बाद से जैसे जैसे कंपनी ने अपना वर्चस्व बनाया और अपने काम से सभी को प्रभावित किया, उसके बाद एक ऐसी मशहूर कंपनी बन गई जो अपने क्षेत्र में खूब तरक्की कर रही थी। लेकिन अचानक से इस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी को बंद हो जाने से सब कोई हैरान है, समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे आकर ऐसा क्या हुआ जो थॉमस कुक जैसी बड़ी कंपनी ऐसे बंद हो गई। लेकिन कुछ कारण ऐसे सामने आए हैं जो बताए जा रहे हैं कि थॉमस कुक कंपनी जो है वो आखिरकार क्यों बंद हुई है। दरअसल पहला कारण यह है कि कंपनी आर्थिक स्थिति की जो समस्या थी उससे काफ़ी समय से जूझ रही थी। इसके अलावा कंपनी को निजी निवेश और सरकार से वेल आउट पैकेज जो मिलना था वो भी कहीं ना कहीं असफल तरीके से रुक गया और नहीं मिल पाया। इसके अलावा जो बैंकों से अतिरिक्त फंडों की मांग चल रही थी कंपनी के लिए, उसे भी कहीं ना कहीं ठुकरा दिया गया, जिसके कारणवश थॉमस कुक कंपनी को बंद कर दिया गया। दरअसल शुक्रवार को कंपनी की ओर से एक बयान आया था जब ये कहा गया था कि कंपनी को कारोबार आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत है, जो इतने कम समय में अब्जॉर्व करना या फिर उनको इकट्ठित करना मुश्किल कार्य है। और जिसका कारण यह हुआ कि रविवार अचानक थॉमस कुक बंद हो गई। कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पीटर फ्रैंकहाउज़र ने कंपनी के ऐसे बंद होने पर कंपनी के कर्मचारी, पार्टनर और सप्लायर्स, साथ ही साथ ग्राहकों से माफ़ी मांगी है। इसके अलावा जो कंपनी ने उड़ानें थी जो भी उनकी वो रद्द कर दी हैं, हॉलीडेज़ भी रद्द कर दिए हैं। अब इस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी का ऐसे बंद हो जाना कहीं ना कहीं एक यू ट्रैवल क्षेत्र है उसमें खलबली सी मचा दी है, क्योंकि थॉमस कुक ऐसी जानी मानी कंपनी थी जिसका नाम हर कोई जानता था और वो अपने काम के लिए पहचानी जाती थी। खैर, थॉमस कुक का वैसे बंद हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।